नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली से वायनाड के लिए निकले। वो सुबह 9:30 बजे कोयम्बटूर पहुंचे। यहां से वायनाड जाएंगे। राहुल 12 और 13 अगस्त यानी 2 दिन पहले संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। राहुल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का यह पहला वायनाड दौरा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वायनाड के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, उनकी आवाज संसद में वापस लौट आई है। राहुल सिर्फ उनके सांसद ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसे हैं। इससे पहले राहुल गांधी सांसदी जाने के 16 दिन बाद 10 अप्रैल 2023 को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां जनसभा में कहा था, मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझे जेल में भी डाल दे फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। वो लोग जितना दुष्ट बनना चाहते बने, निर्दयी बनेंगे, मैं उतना ही सज्जन बनूंगा। भाजपा देश के लिए एक विजन को पेश कर रही है, लेकिन हम देश के असली विजन को लेकर चल रहे हैं। वो मुझे जितना परेशान करेंगे उसे पता चलेगा कि मैं सही राह पर हूँ। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।